आज कहने के लिए कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष मुद्दा विहीन है। और आप 2014 से पहले का आंकड़ा ले लीजिएगा और आज का आंकड़ा ले लीजिएगा और प्रति व्यक्ति आय मोदी जी और योगी जी की सरकार बनने के पहले क्या थी और आज कितनी है, तो प्रति व्यक्ति आय दुगुनी बढ़ी हुई है, दुगुनी से भी ज्यादा आज बढ़ी हुई है 4.5 साल और 7 साल के अंदर। तो सुन लिया आपने, बीजेपी के नेता जी हैं ये, कह रहे हैं मोदी और योगी राज में सबकी आय दुगुनी हुई है। मतलब वाह, फेंकने के लिए कोई रोक टोक नहीं है तो इतना फेंक दोगे कि लपेटना भारी हो जाए। जनता का लिहाज तो ये जनाब कब का भूल गए हैं, कम से कम आजू बाजू वालों का तो लिहाज कर लेते, वो भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सोच रहे होंगे कहां बैठ गए हैं हम, नेताजी की बात ना उगले बन रही है ना निगले बन रही है। दरअसल मोदी योगी की तारीफों में लंबी लंबी फेंक रहे ये जनाब फेफना से विधायक उपेंद्र तिवारी हैं। तिवारी जी एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात कर रहे थे, सामने से महंगाई को लेकर सवाल आ गया तो तिवारी जी गुस्से से लाल हो गए और बताने लगे कि योगी राज में प्रति व्यक्ति की आय दोगुनी हो गई है। सामने से फिर से सवाल दागा गया कि पेट्रोल डीजल के दाम भी तो बढ़ रहे हैं। तिवारी जी फिर आक्रामक अंदाज में दिखे, कहने लगे भाई 95% जनता तो पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल ही नहीं करती। अब बताइए 95% जनता तो पेट्रोल का इस्तेमाल ही नहीं कर रही है, फिर आखिर पेट्रोल का मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है। उफ़, ये जनता भी ना, ये विपक्ष भी ना, खामखा माहौल बना रही। आप बीजेपी के इन होनहार जमीनी मुद्दों पर बारीकी से नजर रखने वाले तिवारी जी का एक बार फिर से पूरा बयान सुनिए। आज कहने के लिए कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष मुद्दा विहीन है। और आप 2014 से पहले का आंकड़ा ले लीजिएगा और आज का आंकड़ा ले लीजिएगा और प्रति व्यक्ति आय मोदी जी और योगी जी की सरकार बनने के पहले क्या थी और आज कितनी है, तो प्रति व्यक्ति आय दुगुनी बढ़ी हुई है, दुगुनी से भी ज्यादा आज बढ़ी हुई है 4.5 साल और 7 साल के अंदर, ठीक ना। और पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल और डीजल बिजली की सप्लाई सरकार कर रही है। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो फोर व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है और मुफ्त में आज 100 करोड़ से ऊपर लोगों को मुफ्त में वैक्सीन सरकार ने दिया। आज कोरोना में फ्री में इलाज दिया, घर घर में दवाइयां बांटी जा रही है, मुफ्त में दवाई, मुफ्त में पढ़ाई, मुफ्त में सिंचाई और मुफ्त में कढ़ाई, ये सारा सरकार मुफ्त में सरकार ने लिया है। और इस हिसाब से अगर अन्य राज्यों की तुलना करेंगे तो अभी उत्तर प्रदेश में और देश में बहुत कम मूल्य बढ़ा है। तो क्या मुफ्त के कारण ही डीजल पेट्रोल के दाम जो है कहीं नहीं बढ़ा है? अगर प्रति व्यक्ति आमदनी की आय से तुलना करेंगे तो अभी पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम है। सोशल मीडिया पर उनका ये बयान सामने आया तो लोगों ने भी मजे लेने शुरू कर दिए। जैसे एक यूजर ने लिखा, इसे देखने के बाद अब ये कहा जा सकता है कि भारतीय राजनीति में आने के लिए कम से कम पढ़ाई लिखाई की जरूरत है। मजे की बात यह है कि अगल बगल वाले मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। एक और यूजर ने लिखा, पेट्रोल बिना कोई नेता चल के दिखाए, बोल रहे हैं बिना पेट्रोल डीजल के सब रह रहे हैं, बेवकूफ बनाने की दुकान यूपी इलेक्शन के बाद बंद होने वाली है। अब सोशल मीडिया यूजर्स को तो नेताजी की बात हजम नहीं हो रही है। आपको समझ आई क्या? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।